नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला के अंदर जो एहतियातें बताईं, इंसानों के लिहाज से तो है ही, आपने हैवानों के लिहाज से भी बताएं। यानी आज ह्यूमन राइट्स के लिहाज से बात होती है तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं सारे जहानों की, और अपने ग़ुलामों को हैवानों के लिहाज से जो आदाब थे, हुकूक थे, उनसे भी मुतनब्बे किया कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी घोड़ी पर जो तुम्हारा जुल्म है उसकी वजह से तुम क़यामत के दिन पकड़े जाओ, किसी गदी पर बोझ लादने के लिहाज से जो तुमने खिलाफ़े शरीयत किया तो उसका अगर तुम्हें क़यामत के दिन नुकसान हो जाता है तो मुझे ये भी फिक्र है कि तुम उस केस में क़यामत के दिन कहीं आग में ना चले जाओ। सुनने अबी दाऊद में है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में कुछ लोग जो हैं वो सवारियों पे बैठ के बातें कर रहे थे, यानी जिस तरह आम रूटीन में कि बंदे पहुँचे हैं, सवारी पे बैठे हैं, एक इस तरफ ऊँटनी लेके खड़ा है, दूसरा इस तरफ, और आपस में बातें कर रहे हैं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम अन तत्तखिजू ज़ुहूरा दवाबिकुम मनाबिर, फरमाया अपनी सवारियों की पुश्तों को मिंबर मत बनाओ, मिंबर जिस पे बैठ खुतबा दिया जाता। इय्याकुम बचो इससे, अन तत्तखिजू ज़ुहूरा दवाबिकुम मनाबिरा, मनाबिर मिंबर की जमा है, ज़ुहूर ज़हर की जमा है, कि अपने सवारियों, अब दाबा में वो गदी है, खच्चर है, घोड़ा है, ऊंट है, फरमाया उनकी जो पुश्त है उसको तुम मनाबिर ना बनाओ, मिंबर ना बनाओ। दूसरी हदीस शरीफ में मैंने ये पढ़ा, वहाँ ये अल्फाज हैं कि ला तत्ताखिजूहा करासियाकुम, उनको अपनी कुर्सी ना बनाओ। यानी ये फ़र्क दिया कि सवारी और कुर्सी में फ़र्क है कि जब सफ़र हो रहा था तुम बैठे थे तो उस वक़्त वो सवारी थी, और फरमाया रब ने इनको तुम्हारी सवारी तो बनाया है, तुम्हारी कुर्सी नहीं बनाया। अब मदीना मुनव्वरा के बाजार में जो तुम ऊपर बैठे हुए हो तो ये तुम सवारी से कुर्सी वाला काम ले रहे हो, तो रब ने सवारी को सवारी बनाया है, कुर्सी नहीं बनाया। तो यानी इस हद तक दीन रहमत है कि जानवरों के लिहाज से भी इस इतना हुकूक को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, और उसमें भी बेहतरी बिलाखिर इंसानों की है कि अगर जानवरों के साथ हुस्ने सलूक पर जन्नत मिल रही है और अगर ये लिहाज ना रखें तो जहन्नम में जाना पड़ रहा है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र है कि इस लिहाज से भी मेरे ग़ुलामों का नुकसान ना हो। तो फरमाया इय्याकुम अन तत्तखिजू ज़ुहूरा दवाबिकुम मनाबिरा, अपने चौपायों की जो पुश्तें हैं उनको मिंबर बनाने से बचो। क्यों? फरमाया फ़इन्नल्लाह इन्नमा सख्खरहा लकुम लितुबल्लिगकुम इला बलदिल लम तकूनु बालिगीहि इल्ला बिशिक्किल अनफुस, फरमाया ये रब ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किए। रब ने यानी अगर रब्बे जुल जलाल ने इन्हें तुम्हारे ताबे ना किया होता तो तुम 40-50 मिल के भी एक घोड़े पे बैठ ना सकते, यानी किसी को बिठा ना सकते, उसको पकड़ के आगे पीछे से, यानी इस कदर वो तुम्हें अपनी टांगों से रौंद देता। फरमा रब ने उसे समझाया वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना, कुरान मजीद में है कि रब्बे जुल जलाल ने ये घोड़े और खच्चर और गधे क्यों बनाए, लितरकबूहा ताकि तुम सवारी करो, वज़ीना और अल्लाह ने ये जीनत बनाई तुम्हारे लिए कि तुम घोड़े पे बैठे हो अपनी जीनत महसूस करते हो। तो सरकार फरमाते हैं इन्नमा सख्खरहा लकुम, रब ने तुम्हारे ताबे ये किए हैं। तो यहाँ ये बात भी बड़ी काबिल गौर है कि वो बेअकल हो के रब के कहने पे तो हमारे ताबे हो गए। तो ए हजरत इंसान, तू भी तो सोच कि रब ने कितने जानवरों को, लाखों करोड़ों को तेरे ताबे कर दिया है, और जिस रब ने इन जानवरों को तेरे ताबे कर दिया है तू उस रब की बात क्यों नहीं मान रहा। यानी वो ये नहीं है कि घोड़ा जो है वो किसी खास बंदे के लिए तो सवारी बने जो वक्त का हाकिम है, और आम बैठना चाहे तो वो ना बैठने दे, वो हर एक के लिए ताबे है कि रब ने उसको मुसख्खर कर दिया है। तो यहाँ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा सखरहा लकुम, रब ने इनको मुसखर किया तुम्हारे लिए। क्यों? लितुबल्लिगकुम इला बलदिल लम तकूनु बालिगही इल्ला बिशिक्किल अनफुस, कि ये तुम्हें उन शहरों तक पहुँचाएँ कि अगर ये ना होते तो तुम अधमोए हो जाते वहाँ पहुँचने तक। खुद अगर तुम्हें चल के जाना पड़ता या अपना बोझ खुद उठा के ले जाना पड़ता तो फिर तुम्हें इतनी मुशक्कत होती, तो रब ने ये तुम्हारे ताबे कर दिए। अब ये थोड़ा काम है कि तुम्हारा बोझ उठा के आ गए हैं, तुम्हें उठा के आ गए हैं। अब जब तुम पहुंच चुके हो उस शहर में जहां तुम पहुंचना था, तो अब उसको मिंबर ना बना लो, उसको कुर्सी ना बना लो, बल्कि अब उससे नीचे उतर आओ। इस कदर यानी गहरे फूक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजे किए कि रब ने जिस मकसद के लिए इन्हें ताबे किया वो मकसद तुमने पूरा कर लिया, तो अब उससे जायद उन पे क्यों तुम बोझ डाल रहे हो। और साथ ही ये इरशाद फरमाया वजअल लकुमुल अर्द फालिहा फक्दु हाजतकुम। यहाँ ये भी अल्फाज मौजूद हैं कि इरकबूहा सालिमा वदऊहा सालिमा, कि जिस वक़्त तुम इन पे सवारी करते हो तो इनकी सलामती का भी ख्याल रखो, और जब इनको छोड़ते हो तो फिर भी इनकी सलामती का ख्याल रखो। यानी जब तुम सवारी कर रहे हो तो सलामती क्या है कि अगर कोई नहर इतना वो नाला चौड़ा है कि ये छलांग मार के उसको अबूर नहीं कर सकती सवारी, तो तुम खामखा उसको ज़्यादा चौड़ी जगह से गुजारते हो कि वो उसमें उसे तकलीफ़ होती है, या चलाते वक्त यूं दौड़ाते हो किसी पहाड़ी को वो एक्सीडेंट कर देते हो, उसको इस तरह तेज़ करके ले जाते हो। तो वरना उसकी सलामती का ख्याल रखो, और जिस वक्त तुम मंजिल पे पहुंच जाते हो तो उस वक्त भी तुम उसकी सलामती का ख्याल रखो, यानी उसे पानी पिलाओ, उसे चारा डालो। और ये चीज़ें तुम्हारे लिए, तुम्हारी आखिरत के लिहाज से कल मुफीद होंगी। दुनिया